सिंगल फेज हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर, इन्वर्टर। इन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के काम में आती है। बेसिकली डीसी सप्लाई है, उसको जब हम एसी में कन्वर्ट करना है तो जिस डिवाइस का नाम यूज करते हैं उसे हम इन्वर्टर कहते हैं। बट बेसिकली डीसी जो डिवाइसेस है उस वो हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस लाइक विंड, सोलर, हाइड्रो, इन सब से मिलती है। उसको हम बेसिकली या डायरेक्टली हम हमारी डेली रूटीन लाइफ के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको डीसी टू एसी कन्वर्ट करेंगे। तो डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस से यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड इन्वर्टर। इन्वर्टर को हमने बहुत सारे भागों में डिवाइड किया है, लाइक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड करंट सोर्स इन्वर्टर। इन्वर्टर में भी पॉसिबल ऑफ कि सिंगल फेज हो सकता है और थ्री फेज हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू नीड एंड लाइक डोमेस्टिक पर्पज एंड इंडस्ट्रियल पर्पज। अगर बेसिकली हम इंडस्ट्रियल पर्पज पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर थ्री फेज इन्वर्टर का यूज किया गया है। बट अगर हम बात करते हैं सिंगल फेज की, तो डोमेस्टिक पर्पज लाइक किसी घर में जहाँ हम यूज कर रहे हैं तो ज्यादातर सिंगल फेज इन्वर्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, एक यहाँ पर एक शो किया गया है कि जैसे एक इनपुट डिवाइस है और एक आउटपुट डिवाइस है। बैटरी जो है हमारी वो एक इनपुट डिवाइस है, जिससे हमको जो मिल रही है वो मिलेगी डीसी। एंड हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन करके जो भी वैल्यू है उसको हम लोड से कनेक्ट करेंगे तो हमको एक आउटपुट मिलेगा, यह आउटपुट भी डीसी होगा। बट जैसे ही हम इसको आगे इन्वर्टर से कनेक्ट करेंगे तो हमको एक आउटपुट मिलेगा जो एसी होगा। तो इसके लिए हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। टेक्निकल बैकग्राउंड, सबसे पहला अगर हम देखना चाहे कि इन्वर्टर इन्वर्टर को सबसे पहले इन्वेंट किया गया था 1980 के अंदर, जो इसके बाद सबसे ज्यादा जो यूज आने वाली इंडस्ट्रीज के अंदर यूज आने लगी थी, क्योंकि उस टाइम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज स्टार्ट हुआ था और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हमको सप्लाई मिलती थी वो डीसी होती थी, और उस डीसी को हम डायरेक्टली हमारे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, हमने इन्वर्टर इन्वेंट किया और इन्वर्टर के थ्रू हमने उसको एसी के अंदर कन्वर्ट किया और हमारी डेली नीड लाइफ के अंदर हमने इसको यूज करना स्टार्ट किया। ये एक ब्लॉक डायग्राम है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्टर को शो किया गया है। इन्वर्टर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्टर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एसी पैनल लगा हुआ है, डीसी पैनल लगा हुआ है, सप्लाई, और इसमें जो एक एसी मेन सब पैनल से हमारी सप्लाई चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के थ्रू जाती है, और बैटरी के थ्रू हमारा डीसी सप्लाई इन्वर्टर से होती हुई हमारे मेन इक्विपमेंट्स को दी जाती है। हम बात करते हैं सिंगल फेज हाफ वेव इन्वर्टर रेक्टिफायर की। इसके अंदर हम जो बेसिकली इसमें हम दो डायोड का यूज और दो एससीआर का यूज करते हैं और इसमें थ्री डीसी सप्लाई वायर का यूज किया जाता है। इसमें से एक इनपुट ही सप्लाई होती है और एक V1 एंड V2 V1 एंड V2 जो V1/2 एंड V/2 के थ्रू सप्लाई होती है, जिससे हम जो डिवाइडेशन है वो लोड के थ्रू हमको मिलता है। इसमें थायरिस्टर T1 एंड T2 दो थायरिस्टर का यूज किया जाता है एंड डायोड D1 एंड D2 का यूज किया जाता है। जो डायोड D1 एंड D2 है एज फ्री विलिंग डायोड की तरह काम करते हैं। जब हम सप्लाई थायरिस्टर की हमारी सप्लाई जैसे मान लेते हैं हम कि हमारे पास जिसे मान लेते हैं हमारे पास थायरिस्टर T1 है, जब हम T1 को ऑफ करेंगे और ऑन करेंगे तो जो एक्स्ट्रा सप्लाई है उसको फ्लो होने के लिए जो पाथ प्रोवाइड होगा हमको वो डायोड D1 के थ्रू होगा। ऐसे ही अगर T2 को हम ऑन या ऑफ करेंगे और जब ऑफ कंडीशन में आएगा तो एक्स्ट्रा जो करंट है उसको फ्लो होने के लिए जो पाथ मिलेगा हमको वो D2 के थ्रू मिलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स VDC/2 एंड VDC/2 है।
एंड लोड कनेक्टेड है मिड मिड के अंदर। जब हम इसके अंदर टोटल सप्लाई देते हैं, वी वोल्टेज देते हैं, तो वो वी वोल्टेज कन्वर्ट हो जाता है वी बाई टू एंड वी बाई टू के अंदर। फर्स्ट हाफ फेज ये दो मोड के अंदर काम करता है, एक मोड वी वन एंड सेकेंड मोड वी टू। जब फर्स्ट वी वन मोड के अंदर काम करेगा, जब कंडक्ट जब एस के आर टी वन कंडक्ट करेगा एंड टी टू ऑफ कंडीशन के अंदर होगा, एंड द सेकेंड कंडीशन के अंदर टी टू ऑन कंडीशन के अंदर होगा जब टी वन ऑफ कंडीशन के अंदर होगा। तो ये प्रोसीजर अल्टरनेटिव चलता रहेगा, जिससे हमको एक हाफ पॉजिटिव सर्कल एंड हाफ नेगेटिव सर्कल मिलता है। हम आगे जैसे अभी वेवफॉर्म डायग्राम देखेंगे, उसके अंदर और क्लियर हो जाएगा कि हम आगे क्या कर और कैसे हम इसको यूज करते हैं। ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर हम एक बेसिकली समझना चाहेंगे सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर इन्वर्टर का। जैसे मान लो कि फर्स्ट सप्लाई हमारी जो है वो हमको वोल्टेज, जैसे हम मानते हैं कि वोल्टेज वी डी सी बाई टू के थ्रू होते हुए जाता है। फर्स्ट जो हमारी सप्लाई है वो यहाँ से होती हुई इस पाथ को फॉलो फॉलो करेगी। इस केस के अंदर हमारा जो थायरिस्टर टी टू है वो एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ये यहाँ से वर्क नहीं करेगा। और जैसे ही जब ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो थायरिस्टर टी वन है उसको हम जब गेट ट्रिगरिंग पल्स देंगे आई जी वन, जब इसको हम आई जी वन देंगे तो ये ऑन होगा और ये ऑफ होगा। क्योंकि ये ऑफ क्यों होगा, क्योंकि हम इसको गेट ट्रिगरिंग पल्स नहीं दे रहे। जब हम टी टू को गेट ट्रिगरिंग पल्स नहीं देंगे तो ये एज अ ऑफ कंडीशन के अंदर काम करेगा और टी वन एज अ ऑन कंडीशन के अंदर काम करेगा। जैसे ही हम इसको वी डी सी को हम सप्लाई देंगे तो वी डी सी यहाँ से होते हुए थायरिस्टर टी वन से होते हुए लोड आई एल से होते हुए अपने सर्किट को कंप्लीट करेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर वेवफॉर्म के अंदर शो किया है, इसमें आई जी वन गेट ट्रिगरिंग पल्स है वो हमने 180 डिग्री तक हमने इसको दी है। जब हम इसको 180 डिग्री तक गेट ट्रिगरिंग पल्स आई जी वन देंगे और सेकंड ये टाइमिंग जो होगा टाइम जीरो से लगाकर टी बाई टू टाइम के लिए होगा, मतलब जो हमारा टोटल टाइम है उसका हाफ सर्कल टी वन कंडक्ट करेगा और सेकेंड हाफ सर्कल जो हमारा होगा वो होगा टी बाई टू से कैपिटल टी, जो टोटल टाइम है उसका होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 60 सेकेंड है, जो 60 सेकेंड है तो फर्स्ट 30 सेकेंड के लिए जो कंडक्ट करेगा वो होगा हमारा आई जी वन एंड सेकेंड 30 सेकेंड के लिए जो काम करेगा वो होगा आई जी टू। तो जिस टाइप से ये शो किया हुआ है, जैसे ये फर्स्ट से होते हुए लोड को जाएगी तो हमको जो सप्लाई मिलेगी वो यहाँ से होते हुए वी एल लोड के थ्रू हमको एक सर्किट कंप्लीटेशन मिलेगा। और जैसे ही सेकेंड मोड स्टार्ट होगा, अब हम आते हैं सेकेंड मोड की ओर। सेकेंड मोड के अंदर हमारे पास क्या होगा, वी डी सी को हम टी टू को गेट ट्रिगरिंग पल्स देंगे। ये गेट ट्रिगरिंग पल्स कब मिलेगी हमको, 180 डिग्री के बाद, तो 180 डिग्री के बाद मिलेगी। इसलिए जो यहाँ पर वेव फॉर्म आई है, जो इस तरह वेव फॉर्म शो हो रही है हमको, ये टी बाई टू से लगाकर टी टाइम के लिए हो रही है। देखो यहाँ से टी बाई टू से लगाकर टी टाइमिंग के लिए हमको गेट ट्रिगरिंग पल्स शो हो रही है। तो यहाँ जैसे ये वाला टाइमिंग ऑफ होगा वैसे ही इसको हम गेट ट्रिगरिंग पल्स देना ऑन कर देंगे। तो जैसे ये ट्रिगरिंग पल्स मिलेगी हमको, तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहां से होती हुई थायरिस्टर
T2 से होती हुई, नीचे से होती हुई सप्लाई कंप्लीट करेगी, सॉरी जैसे हम इस T2 को ऑन करेंगे तो सप्लाई क्या करेगी, यहां से होती हुई इस T2 से होते हुए लोड सप्लाई से होते हुए इस सर्किट को कंप्लीट करेगी, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमको इससे भी थ्रू एक आउटपुट मिलेगा, क्योंकि इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड है, तो इससे जो हमको वैल्यू मिलेगी वोल्टेज की वो -V/2 मिलेगी। तो और जो अगर हमने जो फर्स्ट सर्कल देखा था ऊपर की ओर, तो इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव साइड है, तो जो इससे हमको सप्लाई वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव V/2 मिलेगी। तो ये चीज अल्टरनेटिव चलती रहेगी, एक टाइम में हमको जो सर्कल मिलेगा वो पॉजिटिव V/2 मिलेगा, एंड सेकेंड टाइम जो सर्कल मिलेगा वो नेगेटिव V/2 मिलेगा। तो अब हम आते हैं हमारे वेव फॉर्म के ऊपर, तो इसकी जो वेव फॉर्म है वो हमको ये फर्स्ट, जैसे ही हम हमारी फर्स्ट सप्लाई हमको मिलती है तो पॉजिटिव T2 के कंडक्ट में नेगेटिव पॉजिटिव हमको VDC/2 मिलता है, जिससे हमको ये आउटपुट मिलता है। जैसे ये सर्कल 180 डिग्री पे कंप्लीट होता है तो हम इसको क्या करते हैं, गेट ट्रिगरिंग पल्स देना बंद कर देते हैं, तो ये अपना ऑफ कंडीशन में आने लगता है और वैल्यू 0 की ओर आ जाती है। और जैसे ये 0 होता है हम क्या करते हैं, थायरिस्टर T2 को ऑन कर देते हैं। जैसे थायरिस्टर T2 को ऑन करते हैं तो ये कंडक्ट होना ऑन हो जाता है और हमको जो वैल्यू मिलती है नेगेटिव के अंदर VDC/2 मिलती है, तो ये यहाँ तक आता है। और इसके बाद जैसे ही ये 180 डिग्री सर्कल को पूरा कर लेता है और T2 से लगाकर T टाइमिंग को पूरा कंप्लीट कर लेता है, वैसे ही हम इसको ऑफ कर देते हैं। और जैसे ही इसको ऑफ करते हैं तो ये 0 की ओर 0 की तरफ जाना स्टार्ट होता है। जैसे ये 0 हो जाता है वैसे ही हम क्या करते हैं, दोबारा से T/1 को ऑन कर देते हैं, तो ये चीज प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहता है, जिससे हमको एक नेगेटिव सर्कल और एक पॉजिटिव सर्कल मिलता है। ये सबसे ये बोल सकते हैं कि बेसिक टेक्निक है जिसको हम यूज कर रहे हैं, बट जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे एड बनते गए या बढ़ते गए, वैसे वैसे हमने क्या किया इस टेक्निक्स को थोड़ा थोड़ा एडवांस करते गए। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन देखेंगे कि हमने कैसे कैसे इस टेक्निक्स को इम्प्रूव किया और उससे हमको क्या क्या प्रॉफिट मिले। इन्वर्टर एप्लीकेशन, बेसिकली अपन जानते हैं कि इन्वर्टर का जो सबसे ज्यादा यूज आज की तारीख में हो रहा है वो हो रहा है सोलर पावर सेल के अंदर या सोलर पावर प्लांट के अंदर। जो हमारी पावर प्लांट आती है सोलर की स्ट्रीप्स आती है, उसमें हमको जो सप्लाई मिलती है वो DC मिलती है और उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते और ना ही बैटरी के अंदर स्टोर कर सकते, क्योंकि बैटरी के साथ अगर इतनी सारी वैल्यूज को हम अगर स्टोर करने बैठे तो हमारी जो नंबर ऑफ कॉस्ट है या प्लांट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जो आउटपुट आता है उसको इन्वर्टर के थ्रू डायरेक्ट इन्वर्ट करते हैं और AC के अंदर कन्वर्ट करके हमारे GSS को सेंड कर देते हैं। दूसरा हमारे जैसे जानते हैं कि नॉन कन्वेंशनल के अंदर विंड आता है, तो विंड के अंदर भी यही हमको प्रॉब्लम मिलती है। पावर हाइड्रो के अंदर वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, जिससे हम फ्रिक्वेंसी को कम या ज्यादा करके ड्राइव को कंट्रोल कर सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबल पावर UPS, UPS के अंदर जो अगर हमने देखा होगा तो एक इन्वर्टर सिस्टम और एक बैटरी लगी हुई होती है, जो बैटरी के अंदर स्टोर्ड DC सप्लाई को हमारे हमारे जो रेगुलर या इक्विपमेंट से उसको प्रोवाइड कराते हैं, तो UPS के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसके अलावा इंडक्शन हीटर्स होते हैं, उसके अंदर भी आज की तारीख में इन्वर्टर्स का यूज कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है जिसके अंदर आज की तारीख में इन्वर्टर का यूज वाइडली रूप से किया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। एडवांटेज क्या है, अगर हम बात करते हैं सिंपल इन्वर्टर की तो वो लो कॉस्ट होता है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती है और इसका जो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी है वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं आती है। बट डिसएडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज ये है कि पहली चीज़ तो अगर एक इन्वर्टर फेल हो जाता है तो वो पूरे पैनल को फेल कर देता है, ये प्रॉब्लम ऑफ द पैनल। जैसे हमारे पास अगर कोई सोलर पैनल के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है और अगर एक भी इन्वर्टर फेल होता है तो वो पूरे पैनल को सप्लाई को इनक्रिप्ट कर देगा, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके बाद इसको फिक्स करने के लिए बहुत डिफिकल्टी आती है,
या हम इसको कैसे इंस्टॉल करें, कि जगह इंस्टॉल करें, इसमें जो डिफिकल्टी आती है वो बहुत ज़्यादा आता है। और जैसे ही इसकी जो स्पेस ऑफ कंजप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके स्पेस कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होने के कारण नंबर ऑफ स्पेस, टोटल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा ये ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये भी एक तरह से ड्रॉबैक्स है। अगर इसके अलावा हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन। इसमें जो हमको TST की वैल्यू मिलती है वो प्रॉपर नहीं मिलती है, ये हमको इसमें जो आउटपुट की वेवफॉर्म मिलती है वो एक तरह से स्क्योर मिलती है। जबकि हमको जो वेवफॉर्म चाहिए वो हमको चाहिए साइनोसोइडल वेवफॉर्म, बट हमको इससे साइनोसोइडल वेवफॉर्म नहीं मिल पाती है, जिसमें इसमें टोटल जो हार्मोनिक डिस्टोर्शन है या जो हार्मोनिक डिस्टोर्शन की वैल्यू है बहुत ज़्यादा होती है। तो जिससे हमारे इक्विपमेंट्स है उसकी प्रॉपर एफिशिएंसी नहीं मिल पाती, और जो एफिशिएंसी हमको चाहिए वो नहीं मिल पाने के कारण इसकी एफिशिएंसी के साथ जो इक्विपमेंट्स है उसके डैमेज होने का खतरा भी बना रहता है। तो एक ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो टोटल TST की वैल्यू है वो रिड्यूस करने के लिए हमने बहुत सारी टेक्निक्स यूज की है, जो अपन आगे लेक्चर्स के अंदर रीड करेंगे। जैसे जैसे अपना लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम ये देखेंगे कि हमने इन्वर्टर में काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव किया, उस इन्वर्टर की जो ड्रॉबैक्स थे हम उनसे उसको रिड्यूस किया। अगर हम बात करते इस टाइप के इन्वर्टर की, तो एटलीस्ट 60 to 80% THD वैल्यू होती है, बट आज के टाइम में जो एडवांस इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें 1 to 7% तक की THD वैल्यू शो होने लग गई है। मतलब आज की तारीख में हमने इतने एडवांस इन्वर्टर डेवलप कर दिए जिसमें THD की वैल्यू बहुत मिनिमम है। आर्टिफिशियल को यूज करके, न्यूरल को यूज करते, NN को यूज करके हमने इन्वर्टर की जो वैल्यूज है उसको इम्प्रूव कर दिया है, उससे आने वाले या उससे मिलने वाले ड्रॉबैक्स को हमने कम कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें जो अपन आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।